यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर एक बार फिर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की एक एक कर तमाम गड़बड़ियां बाहर आ रही हैं। कोर्ट के फैसले से साबित हो रहा है कि कांग्रेस आतंकवादियों के साथ खड़ी है। किस तरीके से कांग्रेस के लोगों के द्वारा 2007 में गुजरात विधानसभा का चुनाव आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जीतने के बाद किस तरीके से मोदी जी को और अमित शाह जी को टारगेट करके कांग्रेस ने मनगणंत और राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत उन्हें फंसाने का प्रयास किया, यह सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के अभी हाल ही में दिए गए फैसले से स्पष्ट हो गया है। कांग्रेस एक आतंकवादी के हितों के लिए लड़ रही है जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना चाहता था। वह आतंकवादी जो देश की संप्रभुता के खिलाफ लड़ रहा है और देश की सुरक्षा पर सेंध लगा रहा है, उसके पक्ष में किस तरीके से कांग्रेस ने और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने लॉबिंग करके आदरणीय अमित शाह जी को जेल में भेजने का कार्य किया।